अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एक और लाइव सेशन से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की क्लिफ्टन परदेसी प्राइड ब्रांच पर, जहां पर आज करीम राइडर्स को राशन डिस्ट्रीब्यूशन का अहतमाम किया गया है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। ये वो लोग हैं कि जो कि बिल्कुल कम आमदनी वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, दिन रात लगे होते हैं पार्सल डिलीवरीज में। तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने ख्याल किया इनका भी कि खुशियों पर उनका भी हक है, और आज सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ये राशन ड्राइव करने जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो करीम के साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने आज पार्टनरशिप की है, और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट आज इनको यहाँ पर राशन ड्राइव कर रहा है, आज इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद गजाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि आज का क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हिस्टोरिकल टाइम है मेहनत कश वालों के, मेहनत कश वाले। मैं आपसे बात करता हूँ, एक मिनट, राशन ड्राइव शुरू हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज करीम के राइडर्स को, जो कि बाइक राइडर्स होते हैं, उनको राशन दिया जा रहा है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से, कि ईद से पहले इनके घर पे भी खुशियां दी जाए इनको, और इनको भी इनके मसले भी तमाम हल किए जाएं, क्योंकि अब ईद में एक दिन ही रह गया है। तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का ये आइडिया था कि खुशियों पर सबका हक है, और ये राइडर्स तबका वो तबका है कि जो कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का ये लोग पेट पालते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश थी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की कि करीम राइडर्स को भी ईद से पहले ईद की खुशियाँ दे दी जाए। हमारे साथ बहुत ही फेमस टीवी इंडस्ट्री का नाम जावेद शेख साहब मौजूद हैं, जो कि आज की हमारी इस राशन ड्राइव में शिरकत की है इन्होंने। अगर ये वीडियो आपने अब तक शेयर नहीं की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। आप देखें कि इस वक्त करीम के साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने कोलेब्रेशन किया है, इनके राइडर्स को आज राशन दिया जा रहा है। जावेद शेख साहब भी मौजूद है हमारे पास, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की परदेसी प्राइड क्लिफ्टन ब्रांच पर आज हम मौजूद हैं, जहां पर आज ये राशन ड्राइव का अहतमाम किया गया है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, अगर आपने इस वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो लाजमी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत से दोस्तों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, मौलाना मंजूर अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत सी नेक ख्वाहिशात का लोग कमेंट्स में इजहार कर रहे हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। रमज़ानुल मुबारक का आज तकरीबन कह सकते हैं कि आखिरी दिन है, कुछ नहीं पता कि आज चांद हो जाए या कल एक फ़ाइनल डे कल होगा। पूरा रमज़ान गुजरा, यकीनन इस महीने का वो हक तो अदा नहीं कर सके कि जो हक हमें अदा करना चाहिए था, पूरा महीना गफलत में ही गुजारा है। आखिरी में कुछ जो लम्हात रह गए हैं उसमें नेकियां हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। अगर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को आपने अब तक सपोर्ट नहीं किया है तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को आप सपोर्ट करें, हमारा बाजू बने। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को अगर आपने कोई डोनेशन नहीं दिए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आप डोनेशन नहीं दे सकते तो, ताकि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। चलते हैं गजाल साहब की जानिब, पैगाम अधूरा रह गया था। सर बताइएगा कि आज का क्या प्लान है? आप देखें कि ये वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं रोड्स के ऊपर, हक हलाल कमा रहे होते हैं, तो इनके साथ हम खड़े हैं। सैलानी वेलफेयर हर सबके साथ खड़ा जो मेहनती है, तो आज इनको ईद से पहले ईद गिफ्ट के तौर पर राशन पैकेट दिया जा रहा होता है। इसमें हम शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर्स UBL के भी, हाउस ऑफ हबीब वालों के भी, और साथ साथ हमारे जितने आज सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हुए हैं, जावेद शेख साहब आए हुए हैं, सलमान साहब आए हुए हैं, दुरानी साहब आए हुए हैं, हमारे ट्रस्टी अफजल चामी साहब आए हुए, कि ये एक मिल के खुशियाँ बांटने का टाइम है। अलहमदा लोग अपने घरों की शॉपिंग तो कर रहे हैं इस वक्त, मगर हम यहाँ पे इतवार के दिन धूप में करीम वालों के साथ काम कर रहे हैं अलहमदिल्ला। और यही चीज़ हमें बशीर फारूक ने सिखाई है, हज़रत बशीर फारूक साहब का विजन है कि हम
लोगों के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह रब ताला हमारे काम करेगा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब के एडवाइज़र अफजल चामड़िया साहब। सर, क्या आइडिया है आज, कैसा लग रहा है आपको ये इस तरीके से ड्राइव करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर यूं तो सालों साल से राशन ड्राइव कर रहा है, लेकिन जो राशन ड्राइव कोविड के दिनों में हुई थी और जो राशन ड्राइव आज हो रही है, ये बड़ी मुनफरिद है, क्योंकि आज हम उन लोगों को राशन दे रहे हैं जो बरसरे रोज़गार हैं और जो थोड़ा सा शॉर्टफॉल होता है वो आज समझ लें उनका कवर हो रहा है। ये लोग वही हैं जो महीने के 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं, और राशन की मद में या किसी भी मद में इनको हेल्प आउट कर दिया जाए तो इनका गुजारा बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी ये काम कर रहा है, हमारा अज़म है इंशाल्लाह कि हम कोशिश करेंगे कि हर घर में हम खुशियाँ पहुँचाएँ। अब आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी राशन ड्राइव को भी पिछले साल कम थी उससे अब ज़्यादा हो गई और मज़ीद और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मौलाना बशीर फारूकी साहब का ये अज़म है, ये सोच है कि हम इंशाल्लाह मैक्सिमम लोगों तक जाएं और लोगों तक खुशियाँ पहुँचाएँ। अब इंशाल्लाह अनकरीब एक दो दिनों में ईद के दिन आने वाले हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये अपने घरों पर जाएंगे, खुशियों के साथ और इज़्ज़त के साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह हमने लोगों को ईद के तहाइफ भी दिए हैं पिछले दिनों में। तो ये मिलजुल के जो काम हो रहा है इसमें UBL हमारे पार्टनर हैं, हमारे साथ इस वक्त ब्रेंजर से दुरानी साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, सलमान सिद्दीकी साहब SSGC से हैं, एक बहुत बड़ी आवाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी हौसला अफजाई के लिए और करीम के राइडर्स की हौसला अफजाई के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मीडिया इंडस्ट्री का नाम जावेद शेख साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इन लोगों की खुशियों में शरीक हुए। सर, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बहुत खुशी होती है ऐसे रफाई कामों में हिस्सा लेकर। सैलानी से तो मेरा पुराना रिश्ता है, आता जाता रहता हूँ, और इन लोगों से भी, जो मैनेजमेंट के लोग हैं इनसे भी है, और जो आप लोग काम कर रहे हैं सैलानी वाले, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं जगह जगह देखता हूँ, इफ्तार लगे हुए हैं, सहरियाँ हो रही हैं, राशन बांटा जा रहा है लोगों को, और बहुत से हज़ारों काम सैलानी वाले कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है दिल को देखकर, और ये अल्लाह ताला का करम है कि ये हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। सर, और आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, यकीनन आप जो कहेंगे आपकी लोग मानेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे डोनर्स को? भाई, मैं तो डोनर्स को ये कहूँगा कि आपके सामने है सैलानी का काम, आप कराची में कहीं भी किसी इलाके में चले जाएं और आप देखें इनका इंतज़ाम, देखें ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम है कि आपको लगता है कि आपकी जो डोनेशन है वो सही जगह जा रही है, हकदार को मिल रही है। तो आप अपनी डोनेशन सैलानी को दें ताकि वो डोनेशन आपकी सही हकदार को पहुँचे। जजाक अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके हौसले बुलंद रखें और इसी तरीके से हमारे साथ शामिल होते रहिएगा। जजाक। मैं एक बात पिछली कहूँगा सैलानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि जब भी 24/7 कोविड के दिनों के अंदर भी जब भी हमने जावेद साहब को रिक्वेस्ट करी है, जावेद शेख साहब हमेशा सैलानी के साथ खड़े हुए हैं आके। हम शुक्र गुजार हैं सर आपके। मैं शुक्र गुजार हूँ कि मुझे आप ये मौका देते हैं कि इस नेक काम में हिस्सा लेने का। वेरी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की परदेसी क्लिफ्टन ब्रांच में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कसी तादाद में बाइकिया राइडर करीम के राइडर्स मौजूद हैं, जिनको आज हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर नाम जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज इस ड्राइव में हमारे साथ शामिल हुए। हमारे पास कुछ बाइक राइडर्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? ठीक हैं? शुक्र है, बिल्कुल। सर, कैसा लग रहा है कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट आज आपको कुछ खुशी देने जा रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम तो करीम के भी खुशगुजार हैं कि उसने हमारे इतना ख्याल रखा। ईद का सीज़न है, हर कोई, जाहिर सी बात है, हालात इस तरह के चल रहे हैं कोरोना की वजह से, काम थोड़ा हल्का है, लेकिन करीम ने बहुत अच्छा। एक एवरेज राइडर कितना अर्न कर लेता है सर? तकरीबन खर्चा वर्चा निकाल के तकरीबन 20-25 हो जाते हैं। चले, अल्लाह ताला आपकी रोजियों में बरकत दे। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मेहमान बने। सर, कैसा लग रहा है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ी हेल्प है, हम इस महंगाई के दौर में इस वक्त जो सैलानी कर रहे हैं, ये बहुत बड़े सपोर्ट है,
हम लोगों के लिए बहुत आसानी है इसमें। जजाक अल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश रखे। एक और राइडर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, माशाल्लाह फलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर कितना अर्न कर लेता है एक राइडर महाना? तकरीबन 20 से 25 तक कर लेता है। जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुशी का मंजर है यहाँ पर। ईद से पहले ही लोगों को खुशियाँ पहुँचाने का जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने अजम किया था, हमारे बशीर फारूकी साहब की सोच, तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट उसी सोच पर अमल करते हुए आज लोगों की मदद कर रहा है। हमारे साथ करीम के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि करीम के साथ सैलानी ने ज्वाइंट वेंचर किया है। बहुत शुक्रिया कि आपने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पर भरोसा किया और आज हम ये मिलकर एक लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं। क्या तासुरात हैं आपके? बस बहुत खुशी है, और जैसा कि हमारा शुरू से ही एक चीज़ पर यानी कि वर्क रहा है कि कैप्टन्स को जो है हमारी तरफ से जितना हो सके फैसिलिटेट किया जाए, तो इसीलिए हम सब यहाँ पर है और अल्लाह का शुक्र है कि जैसी हमारी कोशिश रही है वही सब हो रहा है। जजाक अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। UBL का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। SSGC से सलमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसा लग रहा है आपको सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के इस इनिशिएटिव पे? देखिए, ये रमजान शरीफ का खत्म है और ईद की आमद आमद है। इस वक्त इससे ज्यादा खुशी की बात किसी एक ऐसे वर्कर के लिए नहीं हो सकती कि उसको ईद का राशन जो है बैठे बैठा है उसकी उम्मीदों से बढ़ के मिल जाए, और सैलानी इस तरह के कामों में हमेशा पेश रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज लेबर डे है, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेबर डे है, उसकी मुनासबत से ये प्रोग्राम और दुगना इसकी अहमियत हो जाती है कि इन्होंने एहसास किया कि जो दिन भर सड़कों पर धूप में बारिश के अंदर हर चीज़ में मारे मारे फिरते हैं करीम के राइडर्स, इनको इनकी सहूलत इनके घर तक पहुंचाई जाए और इस तरह का ये राशन जो इन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ दूसरी NGOs को भी इसकी तकलीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, सर क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, किस तरीके से जुड़े, किस तरीके से सपोर्ट करें सैलानी? देखें, सैलानी को जुड़ने से पहले जरूरी है कि अपने आप अतराफ में देखें, आपके गली मोहल्ले में चौकीदार भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, आपके घर में मासी एंड ड्राइवर्स भी होते हैं। सबसे पहले देखिए क्या उन्होंने क्या इस साल ईद के कपड़े बनाए हैं, क्या साल उनके बाद ईद का राशन है। अगर आप उनकी मदद पूरी कर लेते हैं तो फिर आप सैलानी के पास जाइए या और ऐसे इदारों के पास जाइए, लेकिन आपका फर्ज है कि सबसे पहले इन लोगों को देखें, या आप अपने जो आपके रिश्तेदार जो हैं जो इस काबिल नहीं है, जिनकी इनकम कम है, उनको उन तक पहले पहुंचे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की सर आपने, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत जबरदस्त पैगाम दिया है कि सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा जाए कि अगर उनके पास खुशियां नहीं पहुंची हैं तो आप पहले, आपका फर्ज बनता है कि पहले आप अपने इलाके से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, और फिर अगर आप उनको फुलफिल कर दें उनकी रिक्वायरमेंट, तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट आपके अपने इदारे को जरूर याद रखें। हमारे साथ मौजूद है फुरकान असलम, CSR एक्टिविटीज को लीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं, अल्लाह का शुक्र। आज की एक्टिविटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो पार्टिसिपेट किया है, UBL बैंक ने हमें राशन स्पॉन्सर किया है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमने इनका राशन बांटा है, ठीक है। और आज ये करीम के राइडर के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने हमें राशन स्पॉन्सर किया कि हम करीम के राइडर्स को भी स्पेशली दें, वो राइडर्स जिनकी महाना इनकम 10 से 15 हज़ार रुपये, ताकि उनको एक 15-20 डेज़ के लिए उनका सर्वाइवल हो सके इस राशन बैग से, ठीक है। तो हमने आज ईद का बिल्कुल टाइम करीब है, 2 दिन पहले हमने, ईद से पहले हमने इनको राशन दिया ताकि ईद पे इनका एक बहुत अच्छा तरीके से सर्वाइवल हो सके इनका, ठीक है। और इस मौके पर हम UBL का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें सपोर्ट किया, करीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, अदर फैसिलिटीज़ वगैरह हमें प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच इब्राहिम, जज़ाकअल्लाह। इस लाइफ के तफसल से बहुत सी न्यू कंपनीज़ को दावत देना चाहूँगा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का बाजू बने, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की CSR एक्टिविटीज़ में हमारा साथ दें। आप देख सकते हैं कि आज ईद से पहले, तकरीबन ईद का लास्ट डे कह सकते हैं, कुछ नहीं पता कि आज चांद हो भी जाए ना भी हो, तो उससे पहले सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की एक सोच थी कि उनको ईद से पहले खुशियाँ दे दी जाएँ और उनके जो ईद के दिन हैं एटलीस्ट वो बड़े आसानी से गुजर जाएँ। हमें सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी आरिफ लखानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ देर में हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं नईम भाई, ऑपरेशन मैनेजर हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। नईम भाई कैसा लग रहा है? बड़ा थके हुए लग रहे हैं आज आप। थकावट तो है लेकिन जो वो खुशी है उसका अंदाज़ा जो वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, तो मेहनत लगी है माशाल्लाह, लेकिन जो चेहरों पर खुशी है राइडर्स के वो देख के हमें जो दिली खुशी हो रही है उसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, नईम भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग जो सारी वर्क मेहनत करते हैं, जब थकन होती है और जब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं तो सब भूल जाते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहे, जजाकअल्लाह। हमारे साथ मौजूद है आमिर भाई, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं। आमिर भाई कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी वेलफेयर का हर कदम माशाल्लाह एक नया मिसाली कदम होता है, और आज भी देख रहे हैं आप जिस तरह खुशियाँ बांट रहे हैं करीम ओवर्स के लिए,
और इसके बाद जो हमारा कैंट पे भी प्रोग्राम है माशाल्लाह कूली भाइयों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकतें हैं और डोनर आज़ाद के ताउन से हो रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा डोनेट करें सैलानी को और ज़्यादा ज़्यादा आपसे ताउन की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। इस लाइव के तवसुल से आपको बताऊँ कि कुछ देर बाद हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे कैंट स्टेशन से, जहाँ से हम जो कुली हजरात हैं उनके साथ आज लेबर डे के मौके पर उनके साथ इफ्तार करेंगे। कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे हाजी साहब, बहुत मेहनत करते हैं नुमाइश ब्रांच पे, आपने अक्सर इनको देखा होगा। हाजी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं। हाजी साहब कैसा लग रहा है आज की इस राशन ड्राइव में शामिल? आज और नए तरीके से नए स्टाइल से मतलब राशन बांटा जा रहा है माशाल्लाह। क्या पैगाम देंगे लोगों को? ये कहेंगे कि लोग आए ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ताकि सैलानी जो है ना और बढ़ चढ़ के काम कर सकें। जजाकल्ला। तो ये थे हमारे हाजी साहब, अल्लाह ताला इनको दराजी उमर बिल खैर अता फरमाए, न दिन देखते ना रात देखते हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के कामों में जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गजाल साहब हैं, लाइफ का एंड करना चाहूँगा सर आपके अल्फाजों से। लाइफ का एंड हो रहा है ठीक 6:15 बजे, दोबारा सैलानी वेलफेयर की बेच पर आइएगा, क्योंकि बशीर फारूकी साहब का वादा है कि हम लोगों की खिदमत में जुड़े रहेंगे। 6:15 बजे एक और बहुत अजीम काम करने जा रहा है लेबर डे के हवाले से। लेबर डे सिर्फ छुट्टी बनाने का दिन नहीं है कि लेबर डे छुट्टी बना ली जाए, मजदूर तो आज भी रोड पे बैठा हुआ है, काम ढूंढ रहा है। 6:15 बजे सैलानी वेलफेयर के पेज पे आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ मैं इस लाइव सेशन का एंड करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखेंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन भी हो सकता है, दुरूद पाक की कसरत लाज़मी करें। हमारा UAN नंबर है 02111729526 और हमारा मोबाइल नंबर है 03111729526। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्राहिम और कैमरा मैन सद्दाम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की किसी और लाइव सेशन में, बल्कि कुछ ही देर बाद आप लोगों के साथ फिर से होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।